ये रिलेशन एग्जैक्टली ये रिलेशन ज्यादा अच्छे होते हैं। बाकी अब हम करते कोई भी अंकल आंटी भैया विक्की भैया अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती हूँ। और अगर आप देख रहे हो प्लीज आप साक्षी को पूरा सपोर्ट कैसे ना जितेश के पेरेंट्स सपोर्टिव है। पेरेंट्स में मतलब मम्मी तो है ही नहीं अजितेश की, फादर तो क्या ही बोलूं मैं। आप लोग कहते हो ना कि जैसी करनी, अब इन आंटी ने क्या क्या बुरा किया होगा जो मतलब वो इतना परेशान। आंटी आप देख लो अच्छा लग रहा है, ऐसे सम्मान मिल रहा है टीका होगा। तो आप हमारे जीजू भी हो भैया भी हो वैसे ऑन कैमरा छाए आंटी भी शर्मा रही समोसे खा रही है इसलिए। हाँ मिलकर बड़ा सा टीका लगा के अभिमान को टॉय भी मिल गया है। अभिमान विमान ने आरफ का टॉय ले लिया। विवो नानू को भी कर दो, कल भी आना है कहना। ओके नानू कह दो। विवो आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखा है? हैं क्या लिखा है? तो उसको हमेशा याद किया जाता है, हमेशा उसको याद करके इमोशनल हुआ जाता है, वैसे ही सिचुएशन उनके साथ है। भगवान को जो मंजूर था वो चीज़ हुई, लेकिन आप एटलीस्ट उस छोटे से बच्चे को तो प्यार दे सकते हो ना। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, मस्त रहिए स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मुरादाबाद। हेलो हेलो। और वीवो सोए भी नहीं, आधे रास्ते सोए फिर जग गए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मुरादाबाद और हम किससे मिलने आए हैं मुरादाबाद, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जिससे हम मिलने आए हैं उससे भी आपको मिलवाएंगे और आई होप आप लोग ब्लॉग इंजॉय करेंगे और लास्ट ब्लॉग भी आपने इंजॉय किया होगा। तो आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए जैसे प्यार दे रहे हैं, है ना वीवो? क्या हो गया वीवो, एक्साइटेड हो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए? हम लोग आ गए हैं कृतिका के घर पे। हम इनसे यूट्यूब के थ्रू ही मिले थे, ये भी वीडियोस बना। ये रिलेशन एग्जैक्टली ये रिलेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाकी अब हम कृतिका से मिलवाएंगे, बात करवाएंगे और इनका एक छोटा बेबी भी है उससे भी मिलवाएंगे आप लोग। तो गाइस कृतिका हम लोग पहली बात तो खाना वाना खा चुके हैं, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तुम लोग ये तो जो कि हर जगह जाते हैं खाना ही खा लेते हैं। तो कृतिका है, ये मायका, ये साक्षी का दूसरा मायका। पहला भगवान करे जल्दी से अपनी रियल मायका अपनी मम्मी पापा पास मिले जल्दी से। बस सीखो कुछ समाज के ठेकेदारों, सीखो ऐसे कुछ नहीं। माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए नहीं गलत सोचते हैं, वो तुम जैसे समाज के ठेकेदार ही होते हैं जो नहीं मिलने दे रहे हैं अभी भी। तो अगर कोई भी अंकल आंटी भैया विक्की भैया अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती हूँ। और अगर आप देख रहे हो प्लीज आप साक्षी को पूरा सपोर्ट दो, क्योंकि इस समय उनके हस्बैंड भैया को और दीदी को मतलब साक्षी को बिल्कुल आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग उनकी सपोर्ट में आ जाएंगे ना तो ये इनका सो कॉल्ड ससुरा ससुराल वाले समाज वाले जो आपकी बहन की इज्जत के पीछे पड़े हैं ना वो नहीं पड़ेंगे। आप पूरा सपोर्ट में आओ, आप और आपके पापा अंकल और भैया प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू कृतिका। तो चलिए आप कृतिका की फैमिली से हम आपको मिलाते हैं। और मैं पहले ही वीडियो में बोल देती हूँ कि मैं उसके बेटे को वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं जो कि वो अपने लॉस को नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मतलब इवन वो छोटे से बच्चे की जान के पीछे पड़े हुए हैं, कृतिका के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो अपने बच्चे को लेकर बाहर भी नहीं जाती है, और जाती भी है तो पूरा सेफ्टी के साथ जाती है अपने भाई और पापा पापा के साथ, तभी वो अपने बेबी को लेके जाती है। तो आइए पूरी फैमिली से मिलवाते हैं हम। तो गाइज ये हैं कृतिका के पापा और ये है कृतिका। अंकल बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल से मिलकर। और कृतिका भी बहुत लकी है कि उसके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, है ना? हाँ, क्योंकि एक मतलब लाइफ पार्टनर सपोर्टिव मिल जाता है तब भी लाइफ एकदम वो हो जाती है, और जब पेरेंट्स सपोर्टिव मिल जाते हैं तब भी। क्योंकि हमारे साथ तो दोनों के साथ यही केस है ना, अजितेश के पेरेंट्स सपोर्टिव है, पेरेंट्स में मतलब मम्मी तो है ही नहीं अजितेश की, फादर तो क्या ही बोलूँ मैं। और ये हाँ ये माता जी है, कुछ गिर गया मेरे पैर से, बच्चों के खिलौने पड़े हुए मुझे। आंटी परेशान है, कृतिका की माता जी परेशान हो रही है माधव को याद करके। माधव कृतिका के हस्बैंड है और मुझे बिल्कुल। आंटी आप रो मत, ऐसे हमें बहुत खराब लगेगा। दामाद की तरह मेरी खातिर हुई है यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग खाना खाने में बिजी हो गए थे, ब्लॉग नहीं बनाया था। सीरियसली ये लोग बहुत अच्छे दिल के हैं,
और जो लोग अच्छे दिल के होते हैं उन्हीं को ऊपर वाला परेशान करता है, ये बहुत गलत बात है ऊपर वाले। आप लोग कहते हो ना कि जैसी करनी, अब इन आंटी ने क्या क्या बुरा किया होगा जो मतलब वो इतना परेशान हो रही हैं। आंटी आप परेशान मत हो, हम लोग हैं ना, हम आपसे मिलने आते रहेंगे, आप ऐसे मत करो आंटी प्लीज। नहीं आंटी ने वो आरफ की शक्ल तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन उसके टॉयज दोनों विमान और आरफ खुश हैं, आपस में सारे टॉयज फैला दिए हैं पूरे घर में, टॉयज बच्चों के घर में टॉयज ना हो तो लगता ही नहीं है बच्चों का घर है, हर जगह टॉयज देखिए। सम्मान हो रहा है हमारा, ये मेरा माइक है, दूसरा माइक है, तो देख लो समाज पहला भी हो जाएगा आंटी, आप देख लो अच्छा लग रहा है, ऐसा सम्मान मिल रहा है, टीका होगा तो आप हमारे जीजू भी हो भैया भी हो। पूरा सम्मान मिल रहा है तो आप सम्मानित लोगों आपको मिलेगा। ये भैया हैं लेकिन ये बहुत शाय हैं, भैया आए तो करी दो बस कैमरे के पीछे शाय नहीं है, वैसे ऑन कैमरा शाय है, आंटी भी शर्मा रही समोसा खा रही है इसलिए। हाँ वो तो आरव के पास बैठी हुई है सुरभि, मतलब निकिता की छोटी बहन तो इसलिए मैं उसको दिखा नहीं सकती, वो हटी नहीं दिया वहाँ से। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, और बहुत अच्छा लगा हमें कृतिका की फैमिली से मिलकर, बड़ा सा टीका लगा के, और विमान को टॉय भी मिल गया है, विमान ने आरफ का टॉय ले लिया जो कृतिका ने दे दिया। वीवो कहीं जाते हैं बिना टॉय के आते ही नहीं है, रोक लेते वो तो रुक नहीं है। चलो आंटी से मिलते हैं, पर आप रोना नहीं है ठीक है, मेरे बेटी का रोना है। हाँ बिल्कुल, और आप रोना नहीं, हम आते रहेंगे, हम आते रहो मुझे हाँ बिल्कुल बिल्कुल आऊंगे बिल्कुल आंटी, चलो ठीक है ओके बाय। मुरादाबाद से आने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर, क्योंकि मंगल है हनुमान जी के, यहाँ पे विमान पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। विवो आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखा है, है? क्या लिखा है इसमें, भगवान जी की है ठीक है। तो गाइस आज कुछ खाना नहीं खाया, वहीं खाया मुरादाबाद आंटी के यहाँ पर 3 बजे करीब, और फिर उसके बाद मन ही नहीं हुआ तो अभी मैं पी रही हूँ छाछ, और अब हम सो जाएंगे क्योंकि हम बहुत थक गए हैं मंदिर से आने के बाद। तो मेरी शक्ल आपको पता चल गई होगी कितनी थकी थकी सी है, आंखें एकदम ऐसा लग रहा है बस अब सो जाओ, और आई होप आप लोगों ने ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कृतिका की मम्मा को देखकर, क्योंकि वो कंटिन्यू वो रोए जा रही थी आंटी, और मतलब उनका कहना था कि वो माधव को देख रही हैं अजितेश में, मतलब उनको मतलब जिस तरह अजितेश वहाँ बैठे हुए थे तो उनको वही सब याद आ रहा था कि हमारा माधव था, मतलब उनके दामाद थे वो कृतिका के हस्बैंड जो एक्सपायर हो गए हैं, तो उनको वही सब याद आ रहा था कि माधव था तो ऐसे आता था ऐसे खाना खाता था, तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। तो मैंने कहा आंटी हम भी वैसे ही हैं, आप परेशान मत हो, आप जब भी हमें बुलाओगे हम हमेशा आएंगे, और सच में कृतिका बहुत स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बच्चा उस टाइम उसका 1.5 साल का था गाइस, और वेरी नाइस विमान, वेरी नाइस उसको नीचे रख दो मैं रखाऊंगी अभी, तो बच्चा उसका 1.5 साल का था उस समय जब उसके उसका हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, तो मतलब आप लोग हम लोग समझ भी नहीं सकते, हम लोग उस लेवल पे जा भी नहीं सकते कि उसने क्या प्रॉब्लम फेस की होगी, वो किन चीज़ों से गुजरी होगी, कितना स्ट्रेस होगा उस समय उसकी लाइफ में, और 8 ईयर का रिलेशनशिप था उन लोगों का, 8 साल का मतलब लव प्लस अरेंज मैरिज हुई थी उसकी, और लेकिन आज वो अपने बच्चे के लिए स्ट्रांग बनी हुई है, तो एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना स्ट्रांग बन जाती है,
आपने ब्लॉग में देख लिया होगा। और एक और ब्लॉग आएगा कृतिका का, उसमें कृतिका ने अपनी सारी बात रखी है, सब कुछ बताया है जो भी उसके इन लॉज ने उसके साथ किया है। लेकिन एक प्लस पॉइंट उसके साथ ये है, मतलब वो कहते हैं ना कि भगवान की निगाह सीधी होनी चाहिए, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तो वो स्ट्रांग है अपने बेबी की वजह से, ठीक है, और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि उसकी फैमिली उसके साथ है, अंकल आंटी भैया और उसकी सिस्टर, तो वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट बनाए हुए हैं और उनकी वजह से वो मतलब स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तो मैं अंकल आंटी को ही थैंक यू बोलूँगी कि आप हमेशा कृतिका के साथ रहना, हमेशा उसका ध्यान रखना और हमेशा उसके बेबी को, क्योंकि मैंने हम लोगों ने नोटिस किया, मैंने और अजितेश ने, जो आरव है कृतिका का बेबी, उसको भी वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, बहुत प्यार दे रहे थे सब। और मतलब वो जब आंटी बता रही थी कि वो लोग जब रोते हैं, मतलब जीजू को याद करके, कृतिका के हस्बैंड को याद करके, कोई भी घर में रोता है क्योंकि ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं हुआ है उस चीज़ को। और भाई इंसान जाता है तो चाहे कितना भी टाइम, जैसे अजितेश आज भी अपनी मम्मी को याद करके रोने लगते हैं जब भी ज़्यादा दुखी होते हैं वो, तो उसके तो हस्बैंड को ऐसा सच कोई टाइम भी नहीं हुआ है। तो जब इंसान अपना चला जाता है तो उसको हमेशा याद किया जाता है, हमेशा उसको याद करके इमोशनल हुआ जाता है, वैसे ही सिचुएशन उनके साथ है। तो वो लोग जब कोई भी परेशान होते हैं तो वो छोटू सा आरव समझाता है, क्यों रो रहे हो, मत रो, परेशान मत हो, अभी आ जाएंगे पापा, रामनगर गए हुए हैं, इस तरह से वो सबको हंसा देता है और सबका मन बहला देता है। तो वो लोग उस बच्चे की वजह से सब स्ट्रांग बने हुए हैं क्योंकि उनके पास वो बच्चा है, उनके पास वो ताकत है। तो बच्चे से एक घर का जो माहौल होता है वो कितना चेंज हो जाता है कि ऐसी जो सिचुएशंस आती हैं या ऐसा एटमॉस्फेयर जो होता है, तो बच्चा सारी चीज़ें सबको भुलवा देता है क्योंकि सबका अट्रैक्शन फिर बच्चे की तरफ चला जाता है कि भाई बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे की सेहत का ध्यान रखना है। तो हमें अच्छा लगा उन लोगों से मिलके, और अंकल आंटी सीधे बहुत हैं, और कहीं ना कहीं कृतिका के इन लॉज ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया क्योंकि उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया था उस समय पे जब कृतिका को वो लोग परेशान कर रहे थे, मतलब चीजू के एक्सपायर होने के बाद। और ठीक है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसे लोग ऊपर जाके क्या जवाब देंगे जो किसी की बेटी को परेशान करते हैं और एक छोटे से बच्चे की जिसे नहीं लगती है, और मतलब कैसे लहर ले रहे होंगे। ठीक है, आपका बच्चा, आपका बेटा चला गया, अगर वो लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि ठीक है अंकल, आपका बेटा चला गया, भगवान को जो मंजूर था वो चीज़ हुई, लेकिन आप एटलीस्ट उस छोटे से बच्चे को तो प्यार दे सकते हो ना, ताकि आपकी बहू भी फिर आपकी रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन पता नहीं बड़े लोग अपने आप को क्या समझते हैं, वो हमेशा छोटों को ही गलत ठहराते रहते हैं, छोटों पे ही ब्लेम लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सीनियर सिटीज़न का टैग मिला होता है, ये सोच है बड़े लोगों की। जैसे मेरे यहाँ पे मेरे सो कॉल्ड ससुर की सोच है कि हम तो सीनियर सिटीज़न हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कोई भी ब्लेम लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम सामने वाले ने सच्चा वार किया है तो वो भी उनको ख़राब लगता है, ये ऐसी सोच वाले लोग होते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें कर ली, बाकी अब ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी हमसे मिलना चाहता है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मिल सकता है, हमें जो अपने घर बुलाना चाहता है वो भी। नहीं विवान, बहुत टाइम हो गया, आप सोना है। तो चलिए, वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दें, यूँ ही हमें सपोर्ट करते रहिए, और जिसकी चल रही है वो अपनी चलाते रहिए। बाय गाइस, लव यू ऑल।